वेलकम बैक डियर व्यूवर्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 5 है आज। और आज की इस लेक्चर में हम थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन को हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टीज है किसी भी प्रोपोर्शन की, जिसके तहत हम एक प्रोपोर्शन के अंदर मुख्तलिफ तरह के चेंजेस लेके आते हैं, और वो ऐसे चेंजेस होते हैं जिसका नेट रिज़ल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो एक प्रोपोर्शन के अंदर, एक प्रोपोर्शन की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होती है। सो ये प्रॉपर्टी जो है ये कतई इफ़ेक्ट नहीं होती अगर हम इन 5 प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई कर दें। लेकिन हम इन चीज़ों को इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी वजह यह है कि हमारे पास कैलकुलेशंस जो होती है मुख्तलिफ क्वेश्चंस जिसके ऊपर हम करेंगे अगले लेक्चर्स में, जब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, तो उसमें हम इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हमारे कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे और इससे हमारी जो नेट रिज़ल्ट होता है या जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी प्रोपोर्शन की वो भी मुतासर नहीं होगी। सुबह वक्त ज़रूरत हम एक प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे आज कि ये प्रॉपर्टीज़ बज़ते खुद हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो इफ़ ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी, यानी अगर आपके पास एक प्रोपोर्शन है, ठीक है, और एक प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर है सी बटा डी, ये सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो एक प्रोपोर्शन के ऊपर आप अल्टरनेंडो या इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अकॉर्डिंग टू अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई इसी तरह प्रोपोर्शन है, लेट सपोज 5 प्रोपोर्शन 6, 5:6, ठीक है, प्रोपोर्शन 12, ये एक प्रोपोर्शन है आप देख सकते हैं, और ये एक ऐसा प्रोपोर्शन है जिसमें आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करती है, 10:6:60 और 12:5:60। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी इसी प्रोपोर्शन के अंदर हम किस तरह की चेंजेस लेके आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रोपोर्शन के अंदर मैं ऐसी चेंजेस लेके आऊँ जिसके वजह से प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की रिजल्ट भी सेम हो और चेंज भी आ जाए, तो इसके लिए एक तरीका आपके पास अल्टरनेंडो का है। और ये कैसा तरीका है, अल्टरनेंडो के मुताबिक आपने मीन वैल्यूज़ को एक्सचेंज करना है, यानी कि ये मीन के ऊपर जो वैल्यूज़ होती है उसको आपने आपस में जाके इसकी तब्दील करने है। इस तरह होगा फिर ये कि 5:10 प्रोपोर्शन 6:12। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 12:5:60 है, ठीक है, और 10:6:20:60 है, रिज़ल्ट के ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा और आपने इसमें चेंजेस भी कर दी। तो इसी चेंज को हम कहते हैं अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें हम मीन वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। तो अगर आप इन जनरल करेंगे तो यहाँ पर आपने बी और सी को सिर्फ चेंज करना है, ठीक। नेक्स्ट है जी इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। अब इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी के लिए भी मैं यही प्रोपोर्शन लिखूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 5:6:10:12। सो इसी प्रोपोर्शन के ऊपर मैं अगेन चाहता हूँ कि इसी प्रोपोर्शन के अंदर मैं चेंजेस भी करूँ और जो रिज़ल्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का वो भी हमारे पास सेम आ जाए। तो इसकी एक तरीका तो आपने पढ़ा कि आप अल्टरनेंडो अप्लाई करें। अगर आप अल्टरनेंडो को नहीं जानते और यही रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं तो इन्वर्टेंडो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी आप क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे कुछ, यहाँ नेम से आपको पता लगेगा इन्वर्ट का मतलब होता है दूसरे साइड पे करना या किसी चीज़ को उल्टा करना, ठीक है। तो यहाँ आप यूँ समझिए कि इसी प्रॉपर्टी के अंदर हम कुछ चीज़ों को उलट करेंगे, मतलब ये कि उसका सेमेट उसका डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। और वो किस चीज़ का करेंगे, सिंपल सी बात है, जो भी आपके पास रेशो होगा उसको आप इसके इंडिविजुअल वैल्यूज़ को आप स्वीप करें, यानी कि आपस में चेंज करें। जैसे कि यहाँ पर 5:6 है तो इसको हम लिखेंगे 6:5, प्रोपोर्शन होगा अपनी जगह। नेक्स्ट है जी 10:12, सो इसको हम लिखेंगे 12:10। सो आप अगेन देख सकते हैं कि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम था 12:5:60 और प्रोडक्ट ऑफ मीन था 10:6:60।
इनवर्टेंडरी अप्लाई करने के बाद भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है 10/6 60 और प्रोडक्ट ऑफ मीन है 12/5 60। सो दिस इज कॉल्ड इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। इसके बाद है जी कंपोनेंडो। कंपोनेंडो के लिए यही प्रोपोर्शन में अगेन आपके सामने लिखूंगा, एक ही एग्जांपल से सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आए और आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। सो यही प्रोपोर्शन में अगेन लूँगा कि 5:6 प्रोपोर्शन 10:12। अब यहाँ आपने क्या करना होता है, आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का जो रिजल्ट है यानी 60 और 60, इसको आप इफेक्ट किए बगैर इसी प्रोपोर्शन में चेंजेस ले आए। तो एक तरीका आपने पढ़ा अल्टरनेंडो, दूसरा तरीका आपने पढ़ा इनवर्टेंडो में, और यही गोल आप हासिल कर सकते हैं एक तीसरे तरीके के साथ जिसको हम कंपोनेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं। आप कंपोनेंडो के साथ मैं एक प्रोपोर्शन में किस तरह चेंजेस लेके आ सकता हूँ, ऐसे चेंजेस जिसकी वजह से प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इफेक्ट ना हो बल्कि दोनों की जो आंसर है वो सेम हो। तो देखें, कंपोनेंटों में आप करेंगे क्या, रेशो की जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती है उन दोनों को आप ऐड करें और इसके बाद जो सेकंड वैल्यू होती है रेशो का उसके ऊपर आप डिवाइड करें। यानी कि सबसे पहले तो आसान करने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि यही चीज़ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/6 प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वलिटी लगा सकते हैं और 10/12। अब इसके ऊपर आप अगर अप्लाई करना चाहें कंपोनेंटो, तो कंपोनेंटो में आप करेंगे क्या, जो दोनों वैल्यूज़ होंगी हर एक रेशो में ये दोनों होंगे, अगर बटा में है तो इस तरह ये दोनों आप ऐड करेंगे तो 5/6 डिवाइड बाई करेंगे। किस चीज़ के ऊपर आप डिवाइड करेंगे, जिसके ऊपर पहले से डिवाइड है यानी जो पहले डिनोमिनेटर में है वही वैल्यू यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में होगा, सिर्फ ऊपर के जो पोर्शन है नोमिनेटर में आपने दोनों को ऐड करना होता है बस। इक्वलिटी अपनी जगह अगेन यहाँ भी ऐसा करेंगे, रेशो के दोनों वैल्यूज आपस में हम ऐड करेंगे 10/12 डिवाइड बाई करेंगे इसी के ऊपर जो इसके ऊपर पहले से डिवाइड है यानी 12। मज़ीद इसको आगे आप लेके जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये हो जाएगी 5/11/6 = 10/12 = 22/12। सो अभी आप देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यहाँ भी और यहाँ भी 10/6 60 और 10/6 60 एक जैसे हैं। इन्वर्टेंडो हमने अप्लाई किया, इन्वर्टेंडो अप्लाई किया और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसी रिजल्ट को आप वापस रेशो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास कोई प्रोपोर्शन फ्रैक्शंस और इक्वलिटी में है इस फॉर्म में है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम के लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट करें। ये क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल वही चीज़ है जो हम प्रोपोर्शन के अंदर प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम के लिए करते हैं, ठीक है। सो देखें यहाँ 11 और 12 इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे सो 11 ज़रबे 12 से हमारे पास जो वैल्यू आती है ना वो है 132। ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 132 इक्वल टू 22 ज़रबे 6। 22 × 6 अगर आप करेंगे ये प्रोडक्ट ऑफ मीन होगा, ठीक है। तो इसी में भी आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी यानी कि 132। सो दोनों का रिजल्ट सेम है जैसे यहाँ पर दोनों का रिजल्ट सेम था, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल है दोनों में, ठीक है। इसी के बाद लास्ट जो है डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। आप डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी बिल्कुल कंपोनेंडो जैसी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे स्टेप्स आपने कंपोनेंडो में पढ़े वही स्टेप्स आप डिवाइडेंडो में भी अप्लाई करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आप दोनों वैल्यूज़ ऑफ रेशो ऐड कर देते हैं, डिविडेंडो में आप सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यही एग्जांपल अगर आपके पास हो कि 5:6 प्रोपोर्शन 10:12। सो इसी के ऊपर अगर आप डिविडेंडो अप्लाई करना चाहें तो डिविडेंडो के लिए भी आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ ऑफ रेशो पहले आपने ऐड किए तो डिविडेंडो में हम सबट्रैक्ट करेंगे यानी कि 5 - 6 और जिस सेकंड वैल्यू है 6 के ऊपर पहले भी डिवाइड थे यहाँ भी डिवाइड होगा इक्वल टू 10 और 12 को अब हम सबट्रैक्ट करेंगे 10 - 12 और पहले से जिसके ऊपर डिवाइड है इसी के ऊपर हम दोबारा डिवाइड करते हैं 12, ठीक है। सो आप यहाँ और यहाँ देख सकते हैं कंपोनेंटो में आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं, डिविडेंडो में सेपरेट करते हैं, बाकी नीचे वही लिखेंगे जो पहले से है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 5 - 6 से आता है -1/6 इक्वल टू 10 - 12 से आएगा -2/12।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट हमें और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करें, सो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 से होगा -12, और 6 इंटू 2 से आएगा 12, और माइनस भी है -2 के साथ तो नहीं आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की जो वैल्यूज होगी वो दोनों इक्वल है -12 एंड -12, और यहाँ भी 12 5 60 और 6 10 60 सेम यहाँ भी थे सेम यहाँ भी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो 60 60 यहाँ पर आ जाता है प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद भी 60 60 आ जाए। मेन चीज़ जो है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रॉपर्टी से पहले भी एक जैसे हो, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद भी एक जैसे हो। लास्ट प्रॉपर्टी है जी कंपोनेंट और डिवाइडेंड प्रॉपर्टी। अब ये कंपोनेंट और डिवाइडेंड प्रॉपर्टी जो है ये इन दो चीज़ों का मजमुआ है, यानी अगर हम कंपोनेंट प्रॉपर्टी और डिवाइडेंड प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई करते हैं तो उसको हम कंपोनेंट और डिवाइडेंड कहेंगे। जैसा कि 5:6:10:12, तो सबसे पहले आप इन नाम से आपको पता होना चाहिए कंपोनेंडो। कंपोनेंडो अप्लाई करें, कंपोनेंडो में हम क्या करते थे इंडिविजुअल वैल्यूज को ऐड करते थे, तो हम ऐड करेंगे 5 जमा 6। डिवाइड में क्या करते थे कंपोनेंडो में वही लिखते थे जो पहले से होता था, लेकिन यहाँ आप ऐसे नहीं करेंगे, डिवीजन में आप लिखेंगे डिवाइडेंडो वाला चीज़। डिवाइडेंडो में हम क्या करते थे दोनों को सेपरेट करते थे, तो 5 - 6 ऐड करेंगे कंपोनेंडो के लिए ऐड करेंगे ऊपर, डिवाइडेंडो के लिए सेपरेट करेंगे नीचे, बाकी वही चीज़ होगा इक्वल टू। अगेन ये अलग रेशो है 10:12, तो इसके लिए भी पहले कंपोनेंट के थ्रू जमा करेंगे 10 जमा 12, और नीचे हम करेंगे डिविडेंडो के थ्रू सब्ट्रैक्शन यानी कि 10 माइनस 12। सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 5 जमा 6 11 बटा 5 - 6 - 1 इक्वल टू 10 जमा 12 क्या आएगा 22 बटा हुआ 10 - 12 - 2। सो आप देखें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करने से पहले जो रिजल्ट था 12.60 और 6:10:60 दोनों सेम थे, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल थे, और ये जो है ना अप्लाई करने के बाद आप क्रॉस प्रोडक्ट अगर चेक करें यानी ये भी प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम ही होता है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 11 - -2 11 × 22 और माइनस भी ये -2 वाला इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह 22 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये भी -22, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दोनों यहाँ भी इक्वल आ गए। तो इसे हम कहते हैं कंपोनेंट और डिवाइडेंड प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आई होगी। यहाँ जो एक मेन चीज़ है वो है हमारे पास कंपोनेंट और डिवाइडेंड प्रॉपर्टी, ये आगे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, खासकर ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको अपने ज़्यादा फोकस करना है। बाकी दो सब चीज़ें अहम तो है, सीखना तो अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे वो है कंपोनेंट और डिवाइडेंड, लिहाजा आप इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करें और समझने की कोशिश करें। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े अभी तक प्रोपोर्शन के, जिसमें हम अल्टरनेट प्रॉपर्टी में प्रोपोर्शन के साथ क्या करते हैं मीन वैल्यूज़ को आपस में चेंज करते हैं, इन्वर्टेंडो में हम क्या करते हैं हर एक इंडिविजुअल रेशो को हम इन्वर्ट करते हैं, कंपोनेंटो में हम क्या करते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ रेशो को हम ऐड करते हैं और नीचे वही वैल्यू लगाते हैं जो पहले से होता है। इसी तरह डिवाइडेंडो में भी हम ऊपर इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ रेशो को ऐड करते हैं और नीचे वही वैल्यू लिखते हैं जो पहले से होता है, जबकि कंपोनेंटो डिवाइडेंडो के लिए हम इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ रेशो ऊपर ऐड करते हैं नीचे से अपडेट करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम आज हमने पढ़ा, और ये तमाम चेंजेस जो हम करते हैं ये अल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो या कंपोनेंडो डिविडेंडो के तहत जितने भी चेंजेस आपने किए सब का गोल एक था, और वो ये था कि एक प्रपोर्शन की जो मेन चीज़ होती है प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होती है, तो हम एक प्रपोर्शन के अंदर एक ऐसा चेंज लेके आए जिसकी वजह से प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की वैल्यूज इफेक्ट ना हो बल्कि दोनों सेम आ जाएँ, और वो चेंज जो हम लेके आना चाहते थे वो हमने अभी पढ़ा कि इसके हमारे पास 5 डिफरेंट तरीके हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। सो आई होप कि आज का लेक्चर बहुत आपने गौर से देखा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी इसमें मिला होगा। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे लेक्चर 6 में, तो लेक्चर 6 के अंदर हम इन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने यूज़फुल पर्पजेज़ के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक इंतज़ार करें, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।